उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगला किसी ब्रह्मचार्य आश्रम से कम नहीं, लेकिन वहां भी उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवती ने उनसे प्रेम करने का दावा किया। युवती का नाम हेमा सक्सेना बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ की ही रहने वाली है। युवती ने बताया कि उसका एक साल से प्रेम प्रसंग योगी आदित्यनाथ से चल रहा है। हेमा सक्सेना का दावा है कि सबसे पहले वह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मुलाकात एक बार और हुई, लेकिन इनकी मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम हो गई थी। तकरीबन एक साल से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं हेमा सक्सेना का यह दावा है कि वह शादी करके ही मानेगी। बता दें कि हेमा सक्सेना पहले ही विवाहित है और उनका तलाक भी हो चुका है और अपने परिवार से अलग पिछले 3 साल से रह रही हैं। वही पहले जब भी वे योगी आदित्यनाथ से मिला करती थी तो उनसे केवल किसी न किसी मुद्दे पर ही बात होती थी या फिर कोई शिकायत लेकर ही पहुंचती थी। अब अचानक इस तरह से प्रेम पत्र हाथ में लहराती हुई हेमा सक्सेना जब योगी आदित्यनाथ के बंगले पर पहुंच गई तो सभी तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मचारी हैं। इसके साथ ही हेमा ने कई सारी बातें भी इस प्रेम पत्र में रखी हैं। साथ ही उसने यह भी कहा है कि अगर मेरा दावा गलत निकल जाए तो जेल भेज दिया जाए। इसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों से परेशान हो रही युवती से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने समय नहीं निकाला है। इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे ये तो वे ही जाने, लेकिन आज उन्होंने अपने प्रेम पत्र का पुलंदा वहां पर सरकारी आवास में पहुंचा दिया है। साथ ही वहां पर स्टाफ ने उन्हें बताया है कि जिस तरह से ही योगी आदित्यनाथ को समय मिलेगा वे उनसे मुलाकात करेंगे। युवती ने यह भी बोला है कि वे यहां से इनकार या इकरार सुनकर ही जाऊंगी। साथ ही उसने कहा है कि वे योगी आदित्यनाथ के बिना रह नहीं सकती। इन सब में कितनी सच्चाई है ये तो समय की गर्त में छुपा हुआ, लेकिन जो भी है इसके बारे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी कोई भी बात निकल कर बाहर नहीं आई है, ना ही उनके स्टाफ ने इस तरह की कोई बात कही है। वहीं देखने लायक होगा कि अगर इस युवती की बातों में सच्चाई है भी तो योगी आदित्यनाथ आगे क्या करते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए अपना प्रेम पत्र लेकर के आए, मेरी जो फीलिंग है उनके प्रति वो हम लिख करके इस लेटर में लाए हैं, है ना। एक साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी उनसे बातचीत हो रही है, काफी प्यार की भी बातें हो रही हैं, इसलिए हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहना चाहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। एक साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि अब वो आमने सामने आकर के हमसे बातचीत करें, है ना। और ये बताएं कि जो लेटर में हमने लिखा है इन बातों में सच्चाई है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल भेज दें, है ना। लेकिन हम चाहते हैं एक बार वो आमने आकर के बातचीत करें, वो हमसे परिचित हैं कि नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, पूरी लाइफ मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। इसीलिए ये लेटर में हमने सारी बातें लिख दी हैं जो एक साल से मेरे उनके बीच में हो रहा है। तो एक साल से वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो भी मैटर है ये सारा हमने लेटर में लिख करके 2 दिन पहले डिप्टी सीएम को दिया है। आज जाकर के उनके स्वागत कक्ष में स्टाफ में दिया हमने, तो उन्होंने ये लेटर मेरा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया। उनका जब टाइम होगा तब हम मिलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। हम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं उन्हें मेरी लाइफ का डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनसे हमें इतना ज़्यादा एक साल से बातचीत करके इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, लगाव हो गया है कि उनके बिना रह नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहें, और वो भी इस बात का क्लियरिफिकेशन करें कि पूरी लाइफ मेरे साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। आपकी मुलाकात उनसे किस तरह से हुई? मेरी मुलाकात उनकी सार्वजनिक रूप से गोरखनाथ मंदिर में हुई थी, गोरखपुर में। लेकिन हमने उस समय उनको प्रपोज नहीं किया कभी मैरिज के लिए, या कभी लव के लिए, या कभी इस मैटर पर हमने बात नहीं करी। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स वाला लेटर दिया उनको, कभी इस मैटर पर बात नहीं। लेकिन हम इतना ज़्यादा परेशान है, मेरी लाइफ का डिसीजन है, इसलिए हम फाइनली चाहते हैं कि वो सामने आकर के बातचीत करें। एक साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आकर के वो स्पष्ट रूप से सामने आकर के हमसे बातचीत करें कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं है, और वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरे साथ रिश्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम ऐसे अकेले नहीं अपना जीवन अब बर्बाद कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और सिर्फ एक बार उनसे मिलने के लिए तो कह रहे हैं, अगर इन बातों में एक भी शब्द अगर झूठ है तो हमें जेल भेज दें, है ना। गोरखनाथ में आपकी मुलाकात हुई, किस लिए आप गोरखपुर गए? हम गोरखपुर गए थे तो अपनी समस्याओं वाला लेटर लिख के गए थे कि मतलब हम फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है और फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से, और हम मैरिज नहीं करना चाहते। मेरी एक मैरिज हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, हम सेकंड मैरिज नहीं करना चाहते, तो मेरी लाइफ का क्या होगा और मेरा क्या सेटलमेंट होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स का लेटर। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट।